हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों, बिहार में जो शिक्षक की भर्तियां हो रही है, जो शिक्षक नियोजन हो रही है, तो उसमें बहुत बड़ा धांधली सामने आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि नहीं पता होगा, तो मैं चलिए बता देता हूँ कि न्यूज़ सामने ऐसा आ रहा है कि वो उन सभी लोगों को पैसा देकर अपना जॉब कवर कर रहे हैं शिक्षक की भर्ती के लिए। मतलब दोस्तों, एक तरह से बोल सकते हैं धांधली। ये किस तरह से दोस्तों हो रहा है, इसका ऑफिशियल पेपर के थ्रू, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ एक पेपर कटिंग के थ्रू। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे प्लस तो अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ दोस्तों, आप देखते हैं कल का ही पेपर पब्लिश कर बताया गया है कि शिक्षक नियोजन में अपने उम्मीदवारों के लिए खींचतान। खींचतान मतलब कहने का सोचते हो कि वो आपस में खींचताना कर रहे हैं कि कितना कितना पैसे देकर वो लोग सभी भर्तियां लेंगे, नौकरी शिक्षक की नौकरियां प्राप्त करेंगे। जहां पर आप देख सकते हैं दाव पे बताया जा रहा है, शिक्षकों के नियोजन के लिए गोटी सेट करना शुरू। गोटी का मतलब होता है दोस्तों ऑफिशियल, गोटी का दोस्तों कहने का दोस्तों है कि वही आपस में सभी लोग एक अमाउंट सेट करके बता रहे हैं कि कितना कितना अमाउंट देकर वो नौकरी लेंगे। जहां तक बताया जा रहा है दोस्तों 4 से 5, कोई लोग कोई 2 लाख। आखिर दोस्तों ये कहाँ से कैसे सेटिंग होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा सामने न्यूज आ रही है। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि ये जो भर्ती है कहाँ की, बिहार की है। तो बिहार में तो धांधली होती ही रहती है। जहां पे आप देख सकते हैं कि गोटी सेट करके पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। उम्मीदवारों की संतुष्ट के लिए आवेदन लिया गया है, उम्मीदवारों के लिए संतुष्ट के लिए आवेदन लिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तरीके से बताया जा रहा है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी को सिर्फ संतुष्टि के लिए, सेटिस्फिकेशन सेटिस्फाई के लिए वो आवेदन आपको के द्वारा ले लिया गया है। लेकिन दोस्तों जो भर्तियां हैं, कहा जा रहा है कि वो आपका गोटी सेट के अनुसार मतलब पैसे देकर वो भर्तियाँ किया जा रहा है। दोस्तों इस रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आपको अप टू डेट अपना चैनल से करता रहूँगा दोस्तों। प्लस बस आप मेरे चैनल से बढ़ जाएगा, क्योंकि बिहार से भर्ती से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी तरह का, मैं फटाफट अप टू डेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल से बन जाएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं, जान लेते हैं पूरा प्रोसेस। प्राथमिक विद्यालयों हो रहे 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन की तिथि समाप्त होने के बाद से ही दाव पेश का नया दौर शुरू हो गया है। प्रखंड व पंचायत स्तर पर शिक्षकों के नियोजन के लिए गोटी सेट किया जा रहा है। गोटी सेट कहने का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ, वही है जो अमाउंट डील किया जा रहा है। हालांकि कई जगह समितियों के भीतर भी खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल नियोजन समिति में जिन प्रतिनिधियों व अधिकारियों के अपने अपने उम्मीदवार हैं, जानकारों की माने तो कई नियोजन समितियों से जुड़े लोग पहले से ही नियोजन के लिए रुपये की लेन देन कर चुके हैं। और देखते हैं पहले से ही नियोजन के लिए वो रुपये का लेन देन कर चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल लिखा गया है, मतलब कि ऑलरेडी दोस्तों ये जो नियोजन आई थी उससे पहले ही ऑलरेडी ये अंडरग्राउंड टोटल वर्क हो चुका है। जो पैसा का लेन देन है वो हो चुका है। बस आपको जैसे यहाँ पर बताया था कि उम्मीदवारों को शो करने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, संतुष्टि के लिए वो आपसे फॉर्म लिया गया है। बाकी तो जो भर्ती है वो अंडरग्राउंड बुक हो चुकी है। तो ऐसा ऐसा न्यूज़ सामने आ रहा है, हुआ कि नहीं हुआ तो मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो न्यूज़ आई है मैं वो बता रहा हूँ। इसी वजह से तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस मैं आपसे एक चीज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो लाइक। अब आते हैं तो आगे, वहीं कुछ उम्मीदवार दलालों के माध्यम से लेन देन की सेटिंग में जुट गए हैं। और तो आपको पता होगा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो बिहार में जो दलाल लोग आए जाएंगे, वो सभी लोग भी नौकरी दिलाने के झांसा देकर वो सभी लोग से पैसा लेते हैं और तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ बदमाशी करते रहते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार के शिक्षक नियोजन में 5 लाख रुपया तक की डिमांड डीलिंग चल रही है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 5 लाख की डीलिंग चल रही है, मतलब कहने का है कि 5 लाख रुपया पे आपको जो शिक्षक की भर्तियाँ नियोजन मिल जाएगी, यानी कि शिक्षक की नौकरियाँ मिल जाएगी। लेकिन प्रखंड शिक्षक के लिए जिन विषयों में कम रिक्तियाँ हैं वहाँ मामला फंस गया है। कुछ पंचायतों में भी कमोवेश यही स्थिति है। और देखते हैं कुछ पंचायतों में, मतलब तो कहने का है कुछ पंचायतों में, मतलब कि सभी जगह जितने भी बिहार जितना भी जिला है, उस सभी जिले के अंदर जितने भी प्रखंड जितने भी पंचायत, वो सभी जगह यही मामला है कि सभी जगह का जो प्रोसेस है सेम ही है। सभी जो सीट है वो अंडरग्राउंड आई थिंक सेल हो रही है, बिक रही है, दलाली हो रही है, जो भी आप कर सकते हो। दोस्तों क्लियर, मैं आपको जो न्यूज़ है अपडेट में बताने आता हूँ। कुछ पंचायतों में भी कमोवेश, शिक्षा विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि जिले में प्राथमिक शिक्षा नियोजन की प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व ही लेन देन हो चुका था। और सोचते हैं जिले में प्राथमिक भर्ती शुरू होने से ही पहले, मतलब तो ये जो काम है आज से
3 महीना 2 महीना पहले ही से स्टार्ट हो चुकी है लेन देन का। अब तो देख लेते हैं इसका जो फाइनली है जो मेधा सूची जारी किया जाएगा, और दोस्तों वो जारी किया जाएगा रियल होगा कि गलत होगा कि सिर्फ उम्मीदवार को दिखाने के लिए जारी किया जाएगा मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता हूँ। बस जो न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसी के लिए तो मैं बोलता हूँ आप मेरे चैनल से बने रहिएगा, क्योंकि बिहार जैसा भर्ती से रिलेटेड पल पल का न्यूज़ मैं अपने चैनल में देते रहता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो एक सीट के लिए 4 से 5 लोगों से रुपये लेकर बैठे हैं, और सोचते हैं कई ऐसे लोग भी हैं भाई बोल सकते हैं आप दलाल लोग हैं जो एक सीट के लिए 4 से 5 लोगों से पैसे लेकर बैठे हुए हैं। मतलब कहने का है कि मान लेते हैं एक सीट है, एक सीट को उनके पास एक सीट को कवर करने के लिए व्यवस्था किया गया, और वो 4 लोगों से पैसा ले लिया, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 6 लाख, इस तरह से लेके वो बैठे हुए हैं। दोस्तों देखते हैं इतना इतना बड़ा बड़ा मामला सामने आ रही है। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों के अलावा दूसरे जिले व उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों से नियोजन के लिए रुपये लिए गए हैं, और सोचते हैं यहाँ पे स्थानीय यानी कि तो लोकल बिहार के तो हैं ही है, साथ ही अदर स्टेट यूपी के हो गए, झारखंड के हो गए, वहाँ के लोग को भी पैसा लिया जा रहा है। जानकारों की माने तो यह जानकारों को माने तो यही वजह थी कि जिले में बिना रोस्टर अनुमोदन के ही कई प्रखंडों में नियोजन के लिए आवेदन लिए जाने लगे थे। और सोचते हैं आपको पता होगा कि दोस्तों कि बहुत जगह का जो जिला का रोस्टर जारी किया भी नहीं गया था, लेकिन वहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो रहा था, वो इसी कारण दोस्तों वहाँ पे सभी लोग अपना अपना जो है वो बुक कर चुके थे। दरअसल जिन लोगों ने पहले से उम्मीदवारों से रुपये दिए थे उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं जिले की नियोजन प्रक्रिया अधर में ना पड़ जाए, ऐसे में उम्मीदवारों की संतुष्टि के लिए आवेदन लिया जाने लगा, और सोचते हैं इसी के लिए संतुष्टि के लिए सभी लोग से आवेदन लिया जाने लगा। बाकी दोस्तों जो प्रोसेस है वो अंडरग्राउंड बुक है। दोस्तों देखते कितना बड़ा यहाँ पर धांधली हो रही है बिहार शिक्षक भर्ती में, जहाँ पर 1 लाख की शिक्षक की भर्ती लाई गई है। अब तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब कहने का जिन लोग पास पैसा है वो शिक्षक की नौकरियाँ लेंगे, जिन लोग पास पैसा नहीं है उन लोग वो नहीं ले पाएंगे। मतलब है कि जिन लोग पास नॉलेज है अब वो टीचर नहीं बन पाएंगे, बस सिंपल तरीके से अपना डिग्री लेकर और पैसे देकर वो जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ऐसी सामने बात फाइनली बिहार सरकार में आ रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो से किसी पर इन्फॉर्मेशन मिली है, प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को 10 तो अपने दोस्तों साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, ताकि उन सभी को पता चले कि बिहार में धांधली इस तक हो रही है, ताकि सभी को पता चले कि बिहार में जो धांधली इस हद तक हो रही है कि लोग का जो फॉर्म है वो सेल किया जा रहा है, लोग का जो जो जिन पे जो हक है शिक्षक भर्ती के लिए उनको ना मिलकर किसी और को पैसे के बल पर दिया जा रहा है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ दोस्तों बिहार में आने वाली किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म से रिलेटेड अप टू डेट न्यूज़ पा करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। और दोस्तों तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर अगर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इसी तरह का अपडेट दे लगा, तब तक अपना ख्याल रखना।